आरजेडी के पूर्व एमएलसी आजाद गांधी ने बिहार शरीफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का युवाओं पर ध्यान नहीं है, युवाओं के लिए विधान परिषद में एक भी सवाल नहीं उठाया जाता है, जिसकी वजह से युवाओं को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्नातक मतदाताओं का जो रुझान है महागठबंधन के प्रति है, क्योंकि लोगों ने महसूस किया कि 12 वर्षों के दरमियान में जिस उम्मीद के साथ जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार आदरणीय नीरज कुमार को लोगों ने निर्वाचित कराया, एक भी प्रश्न स्नातकों के संबंध में सदन में नहीं उठाया गया। आज हमारा बिहार का स्नातक साथी, पटना का स्नातक साथी बेरोजगारी से जूझ रहा है, बिहार में रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है, जो नौकरियां हैं समझिए कि उस पर भी लोग छीनने का काम कर रहे हैं, तो सब लोग पलायन हो गए। कोई हरियाणा में रिक्शा चला रहा, कोई पंजाब में रिक्शा चला रहा, बस से बदतर हो गया। बिहार में अपराध बढ़ने का भी मुख्य कारण है कि यहाँ बेरोजगारी काफ़ी है, कोई योजना सरकार के पास नहीं है कि कैसे हम लोगों का रोजगार दूर करें। स्थिति इतनी बस से बदतर हो गई बिहार में कि पूरे देश में जो औसतन बेरोजगारी का दर है, बिहार सबसे ज़्यादा ग्राफ पर है। जिस तरह से अपराध बिहार में सबसे ऊपर के ग्राफ पर है, ठीक उसी तरह बेरोजगारी ऊपर के ग्राफ पर है। लोगों ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है। जो स्नातक के हक हकूक की बात करेगा, स्नातक वोटर मन बनाया कि उसी पब्लिक हम वोट देंगे। इसलिए जो हमारे तमाम इस चैनल के माध्यम से स्नातक साथियों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि चूँकि आप स्नातक हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान साथी हैं, जिस जाति पाति से ऊपर उठ कर करके जो स्नातकों के हित की बात करें, उसके पक्ष में मतदान देने का काम करें। नालंदा से आर रंजन के साथ सुब्रा की रिपोर्ट, ATN लाइव, पटना।